डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है, जहां तमाम आरजेडी समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह हैं, जो कि राघोपुर विधानसभा सीट के लिए आरजेडी के प्रभारी थे, साथ ही साथ जिन 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है उनमें सीटों के बंटवारे और सीटों की जो अलॉटमेंट थी उसमें इनका खासा रोल रहा। वो रोल कितना अहम साबित हो रहा है आज? वही टिकट बंटवारा ही मेन रोल किया, टिकट बंटवारा ही काफी अहम रोल किया। इस बार जिस मठाधीश के नाम पर लोग चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, सभी लोग धराशायी हो रहे हैं और उनके सामने एकदम साधारण कैंडिडेट, जो ईमानदार छवि का था, युवा था, पढ़ा लिखा था। रिजल्ट देखिएगा, आज 2 बजे के बाद पता चलेगा कि बहुत बड़े लोग, एक साधारण से डॉक्टर से कोई चुनाव हार गए हैं, कोई इंजीनियर से चुनाव हार गए हैं, सब रिजल्ट सामने आएगा। ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ने अपना प्रचार काफी देरी से शुरू किया, तब तक संभवतः सीटों का बंटवारा चल रहा था, सीट पर किसको कैंडिडेट बनाना है ये सारी चीजें चल रही थी। क्या प्लानिंग थी आपकी उस दौरान, ऐसे क्या प्लानिंग थी जो ये कहा गया कि 70 सीटें कांग्रेस को मिली जो कि गलत हुई, आरजेडी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल्स में तो ऐसी स्थिति नहीं दिखी? ये कमेंट का उपयुक्त समय नहीं है। कांग्रेस गठबंधन कोई जबरदस्ती सीट नहीं लिया था, स्वेच्छा से ही गठबंधन हुआ है, गठबंधन में कोई विवाद भी नहीं हुआ है। 70 सीट दिया गया या 50 सीट दिया जाता उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। सीट तो सब 243 अपना ही है, महागठबंधन का सीट है। खास चीज ध्यान में रखी आपने टिकट बांटते वक्त? टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा समुदाय का, आज मतलब कोई भी नहीं छोड़ा गया जो कोई कह दे कि भाई हमको टिकट नहीं मिला, सभी लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिला है। और जो बचा है उसको भी आगे हर हाल में उसका ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सीटों का बंटवारा हुआ, वोटिंग हुई, आज नतीजे आ रहे हैं, कैसे आप लोगों को लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? हम लोग का आएगी, राजद की आएगी, 100% राजद की आएगी, अति पिछड़े के आएगी, गरीब गुरबों की आएगी, बेरोजगारों की आएगी, युवाओं की आएगी, सब लोग की आएगी। ठीक है, तो सुनील कुमार सिंह जो कि फिलहाल तेजस्वी यादव के करीबी लोगों में से एक हैं, टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज इनका कहना है कि वो भूमिका आज नतीजों के दिन काफी अहम साबित होने जा रही है। हमारे सहयोगी नदीम आलम के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।